मारपीट करते, धमकाते और गाली गलौज करते, ये हैं मध्य प्रदेश पुलिस के एक जवान जिन्हें भानु शर्मा कहा जाता है। टीवी स्क्रीन पर पुलिस की वर्दी में नजर आ रहे ये हैं भानु सिंह। भानु सिंह पन्ना जिले के ब्रजपुर थाने के प्रभारी हैं, जो अपने इसी तरह के रौब के लिए जाने जाते हैं। वे आम जनता से इसी तरह का व्यवहार करते हैं और पत्रकारों से कई दफा इस तरह के मारपीट के मामले को अंजाम दे देते हैं। मध्य प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी दावे करती हो कि उनकी सरकार में सामुदायिक पुलिसिंग होती है जो जनता का सम्मान करती है, लेकिन ये तस्वीरें पन्ना जिले के ब्रजपुर थाना क्षेत्र से सामने आई हैं, जहां थाना प्रभारी भानु सिंह ने एक आंचलिक पत्रकार सतीश विश्वकर्मा के साथ मारपीट की, उनकी शर्ट को फाड़ दिया और उनकी उंगली को चोटिल कर दिया। बुरी तरह से मारपीट का ये मामला बीते रोज तब सामने आया जब ब्रजपुर थाना प्रभारी ग्राम टिकरिया बस स्टैंड पर एक कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। वे यहां के कुछ दुकानदारों को धमकाते हुए उन्हें गाड़ी में बैठा रहे थे। जब ये खबर स्थानीय पत्रकार और पेप्टिक टाइम के संवाददाता सतीश विश्वकर्मा को लगी तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर इस मामले का वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनता देख भानु सिंह चिढ़ गए। भानु सिंह ने सतीश विश्वकर्मा का मोबाइल छीना और उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। भानु सिंह ने कहा कि वे किसी पत्रकार को नहीं जानते, उन्हें वीडियो बनाने का अधिकार किसने दे दिया। इस तरह की भाषा के साथ भानु सिंह पहले भी लोगों से व्यवहार करते नजर आते रहे हैं। उनके विरुद्ध शिकायतों के पहले भी कई मामले हैं। वे अशोभनीय और अशिष्ट तरह के व्यक्ति हैं। उनके द्वारा किया गया ये निंदनीय कृत्य पन्ना जिले के तमाम पत्रकारों को बुरा लगा। पत्रकारों ने इस मामले में पन्ना पुलिस अधीक्षक से मिलकर एक शिकायती आवेदन सौंपा है। इस मामले की एक शिकायत थाना प्रभारी शाहनगर से भी की गई है। सतीश विश्वकर्मा ने एक लिखित शिकायत देकर इस मामले में भानु सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं होती तो पन्ना जिले के सभी पत्रकार पुलिस अधीक्षक के सामने पहुंचकर इस मामले में धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। मामले की शिकायत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और DGP को भी भेजी जा रही है।